गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो है 15 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के जो भी करंट अफेयर हैं वो हम आपके सामने लेके आए हैं। और यह जो क्रम है, हर एक 15वें दिन पे आपको 15 दिनों का पूरा जो करंट अफेयर की जो घटनाएं हैं, जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। वो राष्ट्रीय लेवल की हों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हों, चाहे वो प्रादेशिक हों, उनका संबंध आर्थिकी से हो, खेल जगत से हो, या राजनीतिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, या कोई लीगल मुद्दे हों, इन सारे मुद्दों को जो है हम इकट्ठा करके हर 15वें दिन पे लेकर आएंगे। जैसे आज 15 अक्टूबर है, 1 से लेके 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर हम आपके सामने लेके आए हैं। इस क्रम में जो हमारे सामने जो पहला फैक्ट है, वो पहला फैक्ट ये है कि हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, जो कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई। इसमें 2022-23 के लिए भारत के लिए जो विकास का लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 7%, या ये कहा जाए कि जो विकास का जो अनुमान है वो 7% रखा गया। किस संस्था ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, यूनेस्को को। ठीक है, यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया। इसके साथ में तीसरा जो फैक्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों, ध्यान दीजिएगा, पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो, ध्यान दीजिएगा, अगर गर्ल्स को हायर एजुकेशन दिया जाए, उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकता है? तो यह आंकड़ा बताया जा रहा है 80%। जो 80% जो बाल विवाह है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं गर्ल्स को हायर एजुकेशन देके। तो ये हमारा पहला स्लाइड था। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, दूसरे स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेल की। जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वो अहमदाबाद, गुजरात का शहर अहमदाबाद में ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 इस साल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए गए। ठीक है, यह अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में इन खेलों का आयोजन किया। उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। इन खेलों के अगर पिछले संस्करण की बात करें तो 2015 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो केरल में इसका आयोजन किया गया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर हम सबको पता भी है कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब की गई, तो वो ईयर है 2007। ये प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हमें पता है कि 5G की शुरुआत जो है वो भारत में हो चुकी है। ठीक है, तो 5G टेलीफोनी सेवा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G टेलीफोनी सेवा लॉन्च की गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये 5G सेवा है क्या। देखिए, अभी जो हम लोग नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं वो 4G का इस्तेमाल करते हैं। पांचवी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क एक वैश्विक वायरलेस, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक वायरलेस मानक है, जो कि 4G नेटवर्क जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 4G नेटवर्क, उससे 10 गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड होगी। और इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो 20 GBPS, या ये कहें कि 20 GB जो है प्रति सेकंड इसकी अधिकतम स्पीड है, और 100 MBPS प्रति सेकंड से अधिक डेटा की गति ये प्रदान करता है। तो ये जो है वो कुछ लक्षण हैं इसके 5G के। अब आर वेंकट मणि, ध्यान दीजिएगा, आर वेंकट मणि, उनको जो है भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल का विजन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो आपको आर्टिकल, अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल बताइएगा 76। ओके, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया है। तो वंदे भारत जो वो ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। तो किसकी किसके बीच ये चलेगी? अभी गांधीनगर और मुंबई के बीच में। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 जारी हो चुका है। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त करता शहर है वो है इंदौर। कौन? इंदौर। और इंदौर के बारे में एक और जानकारी रखिए कि इंदौर जो है वो छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के तहत। ओके, इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है। और राज्य श्रेणी में अगर बात किया जाए स्टेट्स में, तो मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है और उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का। तो इस तरीके से टॉप थ्री जो स्टेट हैं, पहले स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है, दूसरा पोजीशन छत्तीसगढ़ का आता है और तीसरा पोजीशन महाराष्ट्र का आता है। नेक्स्ट स्लाइड। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है, मनाया गया, ठीक है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हैबिटेट डे। अब जानते हैं कि है क्या। इस दिन को दुनिया भर हर किसी के लिए पर्याप्त आश्रय आश्रय और आवास, मतलब रहने और शरण के लिए जो है जगह मिले, तो इसको मूल अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है कि सबको रहने के लिए व्यवस्था हो। जो घनी आबादी वाले हैं और तेजी से शहरीकरण के प्रभावित हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, इस साल 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया, लेकिन जो प्रचलन ये है कि अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उस डेट को जो है डिसाइड किया जाता है विश्व पर्यावास दिवस मनाने में। अब थोड़ी सी बात कर लें कि इसकी शुरुआत कब होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1985 में 1985 में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावास दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के बाद पहला विश्व पर्यावास दिवस 1986 में नैरोबी, ध्यान दीजिएगा, केन्या की कैपिटल नैरोबी में मनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावास दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, तो 1986 में, कहाँ? नैरोबी, केन्या की कैपिटल नैरोबी में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है संचार मंत्रालय से। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ जो है वो संचार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ओके, 5 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 5 अक्टूबर को जो है नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिन छात्रों ने या जिन कैंडिडेट ने यूपीपीएससी, ध्यान दीजिएगा, यूपीपीएससी 2022 का पेपर दिया होगा, उस पेपर में, उस प्रीलिम्स के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ओके, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल भारत का क्या है, तो वो डॉल्फिन है, ठीक है, जिसको 2009 में यह स्टेटस, यह दर्जा प्राप्त हुआ। क्या? राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल या राष्ट्रीय जल जंतु। ओके, युवा 2.0 योजना क्या है, इसको जानते हैं हम लोग। युवा 2.0 योजना क्या है? भारत सरकार ने युवा 2.0 योजना लॉन्च की। यह है क्या? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, युवा का फुल फॉर्म ध्यान दीजिए, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। योजना का दूसरा संस्करण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव, हम लोगों को पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें, इसके तहत जो है युवा 2.0 स्कीम को लॉन्च किया गया है। यह योजना है क्या? यह योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों, जो राइटर्स हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूरे भारत में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, युवा जो है पढ़े और लिखे, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना। क्या है इसका उद्देश्य? भारत में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट, अंकटाड, UNCTAD,
अंगटार ने अपना वार्षिक व्यापार और विकास पर रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट की खासियत क्या है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की खासियत ये है कि इसमें विश्व अर्थव्यवस्था के लिए जो बढ़ने की उम्मीद बताई गई है वो 2.6%। कितना? तो यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, इसके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था 2.6 2022 में बढ़ने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल के अनुमानित दर से 0.9% क्या है, कम है। ठीक है, 0.9% कम है। अब भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। तो ये आंकड़े हमें याद रखना है। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व कपास दिवस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉटन डे हर साल, ध्यान दीजिएगा, हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन WTO, ध्यान दीजिएगा, WTO ने 2009 में चार कपास उत्पादक देश हैं, जिसमें उप सहारा अफ्रीकी राज्यों, बेनिन, चाड, बुर्किना फासो और माली की पहल पर विश्व कपास दिवस शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए, जो वीमेन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया? तो वो शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है हर स्टार्ट, HERSTART। तो हर स्टार्ट इनिशिएटिव है क्या? देखिए, हर स्टार्ट इनिशिएटिव गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल GUSEC द्वारा कार्यान्वित एक पहल है। यह गुजरात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, जिसको बोलते हैं, द्वारा यह समर्थित है। तो कौन सी इंटरनेशनल संस्था इसके साथ जुड़ी है? यूनिसेफ। ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करना। ठीक है, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में, या जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं वो कैसे आगे बढ़े, इसके लिए यह योजना स्टार्ट की गई। इस योजना का नाम है हर स्टार्ट इनिशिएटिव। ठीक है, यह महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का निजी और सरकारी प्लेटफॉर्मों से जोड़ेगा। क्या? पब्लिक एंड प्राइवेट जो प्लेटफॉर्म है उनसे इसको जोड़ने का काम करेगा हर स्टार्ट इनिशिएटिव। नेक्स्ट, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नॉनसेंस पुरस्कार। क्या? नॉनसेंस नहीं है, ये नॉनसेंस अवार्ड की बात की गई है। तो नॉनसेंस अवार्ड जो है 2022 का एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की वाइस चांसलर थी, तो पूर्व वाइस चांसलर सॉरी पूर्व जो चांसलर रही है जर्मनी की, एंजेला मार्केल, उनको 2022 का नॉनसेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, SRS जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, नमूना पंजीकरण प्रणाली संघ की रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ वह राज्य है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ वह राज्य है कि 2020 में सबसे अधिक अंतर था, किसमें? जिसमें लड़कों की शिशु मृत्यु दर 35 थी और लड़कियों की शिशु मृत्यु दर 41 थी। तो लड़कों और लड़कियों के शिशु मृत्यु दर में सबसे ज्यादा अंतर रखने वाला अगर कोई राज्य आया है तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, जहां पे लड़कों की शिशु मृत्यु दर 35 और लड़कियों की 41, इस तरीके से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है, तो ये 4 से लेके 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। नेक्स्ट, इनकिंग तांग ने जीता
सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार, क्या सशस्त्र या शस्त्र, सशस्त्र नहीं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यून किंग तांग, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। कौन? यून किंग तांग। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इस वर्ष 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना 99th स्थापना दिवस मनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई, तो 1932। डेट क्या रखेंगे आप लोग? 8 अक्टूबर। इसी वजह से 8 अक्टूबर को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस संस्थान ने दक्ष नाम के एक नई सुपटेक, क्या एक नई सुपटेक शुरू की? तो वो संस्थान का नाम है आरबीआई। ठीक है, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया? ये है तमिलनाडु। ठीक है, ओके। बुर्किना फासो वह देश है जहां पे फिर से दूसरी बार सैन्य तख्त पलट हुआ है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, भारत स्किल्स फोरम क्या है? तो भारत स्किल्स फोरम भारत स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक नया फीचर है, जिसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि भारत स्किल फोरम, जिसे भारत स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया था, इच्छुक शिक्षार्थियों, ध्यान दीजिए, इच्छुक शिक्षार्थियों को किसी भी भाषा में पुस्तकों, वीडियो, प्रश्न बैंकों, क्वेश्चन बैंक्स, हस्तलिखित परिशिक्षकों और प्रशिक्षकों के नोट्स, पीडीएफ, स्कैन की गई प्रतियां आदि का साझा करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, ओके। 10 अक्टूबर को याद रखिए, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे जो है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन समिति के 26वें सत्र में, ध्यान दीजिए, रिपोर्ट का नाम द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, एसेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेस ऑफ टिम्बर फॉर ए सस्टेनेबल इकोनॉमी, शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, एसेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ टिम्बर फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कोई बताएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है, इटली की कैपिटल रोम। ओके, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ओके, अगर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा 24 जनवरी को। ओके, यूनिसेफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस संस्था ने पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022, ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए एक गठित आयोग के प्रमुख कौन थे? तो इसके लिए जो कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया, इसके चेयरमैन हैं न्यायमूर्ति केजी बाल कृष्णन, न्यायमूर्ति केजी बाल कृष्णन। ओके, यूनिसेफ ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापित होने की बात कही है? तो ये देश है म्यांमार। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप CGSS से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो ये मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, 9 अक्टूबर को गुजरात के मोडेरा, ध्यान दीजिएगा, मोडेरा को भारत में 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा गाँव है जहाँ पे 24 घंटे बिजली जो है वो सौर्य से या सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है, तो यह गांव है मोडेरा। मोडेरा जो है मेहसाणा, गुजरात के मेहसाणा जिले में का गांव है मोडेरा, जहां पे 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बनने का श्रेय जाता है। ओके, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट क्या है? इसको देखिए, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवा द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। ओके, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन छात्रों को तेजी से बदलते जॉब मार्केट में
रोजगार योग्य बनाने की यह प्रक्रिया है। मतलब कि आप पढ़ाई के साथ जो है काम धंधे भी करें और कुछ कमाई की भी करें। तो यह योजना बिल्कुल वैसी ही है कि पढ़ाई के साथ कमाई। ओके, 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। ठीक है, नेक्स्ट, आईएम के हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो रिपोर्ट जारी करती है उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2022-23 में जो जीडीपी होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, वो 6.8%। इसको आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ के अनुसार, या ये कहें कि आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसको 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है 6.8% है। ओके, संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थान की कांग्रेस, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल कांग्रेस 2022 का मेजबानी किस शहर ने किया? जी हाँ, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, न्यायमूर्ति यू यू ललित के बाद 50वें, ध्यान दीजिएगा, 50वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो यो होंगे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF का निर्माण किया? ये है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट, OECD। क्या इसने वैश्विक ब्लॉक क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, महाकाल लोक परियोजना क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इस पूरी परियोजना की कुल लागत जो है 850 करोड़ बताई जा रही है। महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप नृत्य रूप को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बात कहाँ की जा रही है? उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात की जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ओके, टेली मानस पहल क्या है, ध्यान दीजिएगा, टेली मानस पहल क्या है? तो टेली मानस पहल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके अवसर पर भारत सरकार ने टेली मानस पहल की शुरुआत की, जिसमें मानसिक तौर से जो बीमार हैं उनके लिए 24 घंटे ऑनलाइन आपको जो है सेवा प्रदान की जाएगी, उसके काउंसलिंग से लेकर। नेक्स्ट, नाटो करेगा स्टीड फास्ट नून परमाणु युद्ध का अभ्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टीड फास्ट नून जो परमाणु युद्ध अभ्यास है कौन करेगा, तो वो है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज आई है इस अक्टूबर के महीने में, वो ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम 2000, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसकी धारा 66A, इसको जो है वो हटा लिया गया है। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि 66A IT Act 2000 का 66A जो सेक्शन है, उसके तहत अगर ऑनलाइन कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, आपत्तिजनक कंटेंट डाले जाते हैं, तो इसके एवज में आपको जो है 3 साल की सजा का प्रावधान था। तो इस प्रावधान को हटा लिया गया है IT Act 2000 के सेक्शन 66(1). ओके, 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा ई वेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो वो डेट है 14 अक्टूबर। ठीक है, तो 14 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम WEEF द्वारा 2018 से यह दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या? वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम WEEF द्वारा, डेट क्या है? 14 अक्टूबर। पीएम डिवाइन योजना क्या है? पीएम डिवाइन स्कीम जो हाल ही में खबरों में रही, किस क्षेत्र के विकास के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनके या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, कुआफू वन क्या है? कुआफू वन चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लिट्स लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2012 रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है। कौन सा? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान जो है असम का, और तीसरा जो है वो गुजरात पे आता है।
इन तीनों को जो है वो अचीवर्स में शामिल किया गया है। किसमें? इसमें अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया है, और इन सब में जो टॉप पे है, पहले स्थान पे है, वो है आंध्र प्रदेश। ओके, किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2000 जारी की? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड, क्या वर्ल्ड वाइड फंड, WWF ने जारी किया है, ठीक है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022। अगर पिट आइलैंड पूछा जाए कि कहाँ है पिट आइलैंड, तो पिट आइलैंड जो है न्यूजीलैंड में है। ये जो है न्यूज में इसलिए हाईलाइट रहा क्योंकि वहां पे बहुत सारे पायलट फेल जो मछलियां हैं वो मृत पाई गई, ठीक। तो ये कहाँ पे है पिट आइलैंड? वो है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, लुप्त प्राय सिलेंडर लोरिस, ठीक है, ये बंदर की तरह से दिखने वाला एक जानवर है, ठीक है, सिलेंडर लोरिस। भारत का पहला अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, और ये लुप्त प्राय है। 2022 में कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वेलिटी CRI इंडेक्स जारी किया गया। यह इंडेक्स जो है वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल की संयुक्त परियोजना है, क्या? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वेलिटी CRI इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। इस सूचकांक के तहत अगर हम लोग बात करें तो इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वो सबसे ऊपर है। इसके बाद जो नंबर आता है जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जापान, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। तो इसमें आपको याद रखना है नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे, और साथ में अपने देश की स्थिति को जानना है। तो भारत जो है 123वें पोजीशन पे, 123। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है वो पूरी तरीके से हमने डिवोट किया है नोबेल प्राइज विनर के। तो 2022 का जो नोबेल प्राइज है वो घोषित किया गया अक्टूबर के ही महीने में, ठीक है, अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक था वो नोबेल प्राइज के विनर के लिए वो चर्चा का विषय रहा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किसको किस किस क्षेत्र में क्या क्या नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये इधर जो है वो प्राप्त नोबेल प्राइज विजेताओं के नाम है, वो किस देश से संबंधित है और किस क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। तो पहला नाम देखते हैं, एलस बियालिवास्की, एलस बियालिवास्की, ये बेलारूस के हैं, ठीक है, इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। मेमोरियल एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि नोबेल प्राइज जो है वो संस्था और व्यक्ति दोनों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे देख ले, एक व्यक्ति विशेष को दे दिया गया। मेमोरियल ये एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो कि रूस की संस्था है, इसको भी जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिला है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की संस्था है, इसको भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो 2022 में नोबेल पीस प्राइज तीन 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 लोग, या कहे कि संस्था और लोग मिला के तीन लोगों को दिया गया है, ठीक है। अगर साहित्य का नोबेल प्राइज की बात की जाए तो एनी एनी एनॉक्स जो कि फ्रांस के हैं, इनको जो है साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। एनी एनॉक्स फ्रांस की हैं, जिनको जो है साहित्य लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद कैरोलिन बटोरजी अमेरिका के हैं, इनको रसायन का नोबेल प्राइज। बेरी सार्प्लेस अमेरिका के हैं, इनको भी रसायन का नोबेल प्राइज। और मोर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं, इनको भी रसायन का नोबेल प्राइज मिला है। तो संयुक्त रूप से तीन लोगों को जो है वो रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसी के साथ दूसरी अगर हम बात करें कि फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी जो है तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लॉसर अमेरिका से, एटॉन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से। तो इन तीन लोगों को जो है वो संयुक्त रूप से जो है वो दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, या ये कहें चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है वो स्वीडन के स्वांते पैबो को मिला है। किसको? स्वांते पैबो को। ओके, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज तीनों जो मिला है वो अमेरिका के बेन बेनानरके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबावीगो, ये तीनों जो शख्स हैं वो अमेरिका के हैं, इनको जो है संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। तो टोटल नोबेल प्राइज अगर 2022 की बात की जाए तो कुल जो है वो 14 पर्सन या इंस्टीट्यूशन को मिला के 14 लोगों को गया है ये, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए कि आज की डेट में नोबेल प्राइज जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। ओके, तो 6 क्षेत्र क्या हो गए? फिजिक्स,
एक शांति, दूसरा साहित्य लिटरेचर, तीसरा रसायन, चौथा भौतिकी, पांचवा चिकित्सा और छठा जो हो गया वो अर्थशास्त्र। ये 6 फील्ड हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया गया। अगर आपको नोबेल प्राइज के बारे में कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे देना प्रारंभ हुआ, ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है नोबेल प्राइज विनर्स, नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नोबेल प्राइज जो भी विनर्स हैं उनके डिटेल बारे में, उनके जो वर्क रहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 2022 में जो भी फील्ड रहा, ठीक है। अगर हम शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र या चिकित्सा की बात करें कि उन्होंने उसमें काम क्या किया है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग केवल ये जानेंगे कि वो उनके नाम क्या हैं, किस देश से संबंधित है और किस क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ये जो था 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का करेंट अफेयर था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये करेंट अफेयर की सीरीज अच्छी लगी होगी, या जैसी भी लगी होगी आप अपने कमेंट्स मेरे को जरूर बताइएगा, जिससे मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें सुधार करने की। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।